तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको एक डोरबेल बना के दिखाऊंगा। इस डोरबेल को आप अपने घर पे आसानी से बना सकते हैं। बनाने का कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत देखने मिल सके। तो ये वीडियो भी आपके कमेंट्स के ऊपर है, आपके ज़्यादातर कमेंट आते हैं डोरबेल के ऊपर, तो आप इसी तरीके से कमेंट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए आपकी कमेंट के ऊपर वीडियो लाता रहूँ। तो यहाँ पे जो डोरबेल है उसे मैं कुछ इस तरीके से बनाऊंगा। यहाँ पे जो इसका स्विच होता है, आपको मार्केट से डोरबेल का स्विच ले लेना है। अगर आप स्पीकर के साथ बनाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए एक सर्किट लेना पड़ेगा। अगर आप सिंपल तरीके से बनाना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बताया था। तो यहाँ पर मैं एक डोरबेल का स्विच ले रहा हूँ, ये ऑन करने के बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। तो इसके आपको दोनों वायर यहाँ पर कुछ इस तरीके से निकाल लेने हैं। तो कनेक्शन किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताऊँ। तो पीछे की साइड से आपको स्क्रू खोल के इसके वायर सेट कर लेने हैं पहले। अगर आप स्पीकर के साथ बनाएंगे तो आपको एक सर्किट बनाना पड़ेगा, जो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस वाले डोरबेल को बनाने के लिए मैं एक बजर यूज कर रहा हूँ। तो आपको मार्केट से कुछ इस तरीके का बजर लेना है, आपको मार्केट में 10 रुपये का मिल जाएगा। तो आपके ज़्यादातर कमेंट बजर के ऊपर आते हैं कि भाई हम इसे 12 वोल्ट से किस तरीके से चला सकते हैं। तो आप इसे 12 वोल्ट से जो चार्जर होता है उसे भी आप इसे चला सकते हैं, डायरेक्ट AC लाइट में लगा के आप चाहें तो इसे 12 वोल्ट की बैटरी से भी चला सकते हैं। तो मैं पहले आपको बैटरी भी चेक करके दिखाया था। तो आप इसे ईजिली 12 वोल्ट के एडाप्टर चार्जर से भी चला सकते हैं। तो कनेक्शन काफ़ी ईजी, आपको कोई भी एक वायर स्विच का बजर के पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट पर जोड़ देना है, और जो बैटरी का नेगेटिव या पॉजिटिव वायर है वो आपको बजर के नेगेटिव को आपको नेगेटिव पे लगा देना है, और पॉजिटिव वाले को आपको स्विच के पॉजिटिव पे आपको लगा लेना है। तो मैं यहाँ पे जो बैटरी का नेगेटिव वाला पॉइंट है वो मैं बजर के नेगेटिव पे लगा लेता हूँ, और जो पॉजिटिव वाला पॉइंट है वो आपको स्विच के दूसरे पॉइंट पर जोड़ देना है, जो कि स्विच के थ्रू यहाँ पर बजर के पॉजिटिव पर पहुँच जाएगा। तो कनेक्शन काफ़ी ईजी है, आप इस बैटरी को 12 वोल्ट के चार्ज से ईजिली चार्ज कर सकते हैं। अगर आप इसे 5 वोल्ट से चलाएँ तो काफ़ी कम साउंड आएगा, 12 वोल्ट से चलाएंगे तो काफ़ी तेज़ साउंड आएगा। तो चलिए फाइनली मैं आपको इसे चेक करके दिखाता हूँ किस तरीके से ये डोरबेल वर्क करती है। तो देख पाओ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो डोरबेल है वो कुछ इस तरीके से वर्क करती है, आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर देना ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन देखने मिल सके। और फ्रेंड्स अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।